हाय फ्रेंड्स, बचे हुए चावल से पूरे फैमिली के लिए आज मैं बनाऊंगी बहुत ही यूनिक ब्रेकफास्ट। जो चावल को मैंने फ्रिज में रखा था और इसे हम तोड़ लेते हैं। चावल को अच्छे से मसल लेना है और इसमें गुट्टे नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। तो चावल काफ़ी ठंडा भी है और इसे फ्रिज में मैंने रख दिया था। तो इसे हम चावल फ्राई करके और सारे घर में सभी को हम इसका ब्रेकफास्ट करा सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि मिक्स रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ चावल फ्राई। चावल फ्राई बनाने के लिए मैंने रात में बचे हुए चावल को रखा था, अभी मैंने उसे बारीकी तोड़ लिया है। कोई भी उसमें गुट्ठा या गुट्ठन नहीं है, इस तरीके से नहीं होने चाहिए। ये जो ये गोल वाला है इसे हम मसल लेंगे। तो यहाँ मैंने जितने भी चावल बचे थे मैंने ले लिया है और सुबह के ब्रेकफास्ट में, अभी सुबह के बच्चे हैं साग और ब्रेकफास्ट आप नहीं बना सकते हो, तो आपके पास चावल बचा हो तो इस तरह से आप चावल फ्राई कर सकते हो। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स चावल को फ्राई करने। तो इसे फ्राई करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है आपको दिखाते हैं। यहाँ मैंने लिया है ऑनियन दो, इस तरह से मैंने इसे स्लाइस किया हुआ है। इस तरह से टुकड़ों में करना है ताकि ये चावल में अच्छे से दिखे फ्राई के टाइम पे। और मैंने एक टमाटर का बीज निकाल के उसे कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। और मैंने यहाँ ग्रीन ऑनियन लिया हुआ है, कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों से हम चावल को फ्राई करेंगे। तो आइए चलते हैं फ्राई करने। हमने गैस पे कढ़ाई को रख दिया गर्म होने के लिए फ्रेंड्स, और इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। हम चावल को ऑलमोस्ट मस्टर्ड ऑयल में ही फ्राई करने वाले हैं, हमारे वहाँ ज़्यादातर यही तेल यूज होता है। तो आपके घर में जो भी तेल डेली यूज में लिया जाता है आप उसका यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो ऑयल है गर्म हो चुका है, थोड़ा सा हमने इसमें हींग का तड़का लगा दिया और थोड़ा सा जीरा, साबुत जीरा मैंने डाल दिया है। जीरा को जलाना नहीं है। और इसमें दो तीन चार मैंने सूखा साबुत मिर्च लिया हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे लहसुन, कटा हुआ लहसुन हम डाल रहे हैं इसमें। लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें हम डालेंगे फिर हरी मिर्च, चावल फ्राई में जो प्याज का योगदान होता है वो काफी ज्यादा होता है। और प्याज जो होता है वो इस तरह से कटिंग होना चाहिए। और प्याज को ज्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करना है, ज़्यादा भूनना नहीं है इसे, थोड़ा सा हमें ऐसे लुक वाइज देखने लायक रखना है कि चाहे चावल के अंदर ये दिखे कि चावल फ्राई में प्याज से हमने किया है चावल को फ्राई। तो थोड़ा सा इसे हम और फ्राई कर लेते हैं प्याज को। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने प्याज को इतना सा फ्राई कर लिया है, अब इसमें हम डालेंगे ग्रीन प्याज कटा हुआ और इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे इसके अंदर। दोनों को हमने अच्छे से भून लिया है। और जो हमारा कटा हुआ टमाटर है उसे हम लास्ट में डालेंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से कलर वाइज दिखे चावल के अंदर। तो ये भी प्याज हमने भून लिया है, अभी हम टमाटर को डालने जा रहे हैं। और टमाटर को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, टमाटर को बस ऐसे दिखने, मतलब हल्का सा बस कच्चापन इसका निकल जाए। दो मिनट वेट करते हैं। मोस्टली फ्रेंड्स 5 से 7 मिनट में हम चावल को फ्राई कर रहे हैं और चावल बहुत जल्दी से फ्राई हो जाता है और सबको खाने में बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत ही हेल्पफुल ब्रेकफास्ट भी हो जाता है ये, और बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं है। तो यहाँ टमाटर जो है वो हमारा जितना चाहिए उतना पक चुका है। और फटाफट से इसमें हम तुरंत चावल को ऐड करने जा रहे हैं। चावल बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। बाकी के बचे चावल को भी हम इसमें डाल देते हैं पहले। चावल को हम अच्छे से चला लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स मैंने चावल को चला लिया है, इसे हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। यहाँ हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रहे हैं। नमक के बाद हमें हल्दी का यूज नहीं करना है फ्रेंड्स, हल्दी से कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा चावल का।
और यहाँ मैंने चिकन मसाला लिया हुआ है, इससे हम इसका छिड़काव करेंगे ताकि ये पुलाव के जैसे इसका है। अगर आपके पास पुलाव मसाला है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। तो ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, बस हल्का सा टेस्ट में चेंजिंग लाना है, बस इससे ज़्यादा हमें मसालों को नहीं डालना है। अब इसे हम फटाफट से हाई फ्लेम पे ही हम इसे भूनेंगे 5 से 7 मिनट तक, ताकि चावल आपस में चिपके ना। कभी भी आप चावल को फ्राई करो तो आप हाई फ्लेम पे ही भूनो इसे, ताकि ये चावल आपस में नहीं चिपके। अगर आपको कोई और मज़ीद मसाला पसंद हो तो आप इसमें मसाले डाल सकते हो, बट मुझे नहीं पसंद है इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ, और चावल फ्राई में ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती है। पुलाव जैसे होते हैं, अभी तो चावल फ्राई में थोड़ा मसाला पड़ सकता है, पुलाव वगैरह में तो बिल्कुल नहीं पड़ता है, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा मसाला डाल दिया है। और चावल का जो भी है फ्राई हो चुका है, अभी 2 मिनट इसे हाई फ्लेम पे और हम भूनेंगे। बिल्कुल भी चावल चिपका नहीं है, तो यहाँ भूनते टाइम में ही हम इसमें डालेंगे हरा कटा धनिया। धनिया डाल के ही एक बार इसे हम भून लेंगे। तो आप कमेंट के जरिए फ्रेंड्स हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फटाफट से इसे हम फ्राई करने के बाद चल रहे हैं सर्व करने के लिए। तो लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, ध्यान रहे टमाटर को लास्ट में ही डालें, ताकि टमाटर जो इस तरह के तरीके से दिख रहा है ये दिखे अच्छे से, इसमें मेल्ट ना हो टमाटर। अभी हमारा 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है, चावल भी अच्छे से भून चुका है, और आप यहाँ देख सकते हो चावल नीचे से पकड़ रहा है। तभी हम गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे सर्व करते हैं। तो फटाफट से हमारा ब्रेकफास्ट बनके रेडी है फ्रेंड्स, आपको हम दिखा देते हैं। ये रहा हमारा फ्राइज राइस, और इसे बच्चे भी बहुत इंजॉय के साथ खाते हैं, बड़े तो खाते ही हैं। तो आप चावल को हमेशा इसी तरीके से फ्राई करके अपने मेंबर्स को खिला सकते हो। तो फ्रेंड्स मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया है, अब हम जा रहे हैं इसे खाने। और इसमें थोड़ा सा हम, अगर आपको टेस्ट अच्छा लगे तो थोड़ा सा ग्रीन ऑनियन से गार्निश कर सकते हो आप, और अगर नहीं भी पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। और थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, हरा धनिया तो वैसे भी बहुत हेल्पफुल होता है, आप इसे कच्चा खाओ या सब्जी दाल किसी में भी यूज करके खाओ, धनिया तो बहुत अच्छा होता है। तो कैसा लगा हमारा आज का रेसिपी आपको हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।